Hey, what's up guys? So in this video, हम लोग learn करेंगे कि कैसे आप Facebook shop create कर सकते हो। Yes guys, Facebook shop, और यहाँ पर आप बहुत अच्छा खासा amount earn कर सकते हो। आप कोई product sell कर सकते हो, even कोई आप affiliate product sell कर सकते हो। कैसे create करते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं, ये भी इस video में जानेंगे। बट अगर आप नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके जिसमें आपको पता चल सके इंटरनेट पे ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। तो मेक श्योर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करो और बेल का आइकन प्रेस करो। लेट्स गो। सो गाइस, बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता, फेसबुक शॉप से आप बहुत ज्यादा, नहीं बोलूंगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आपका पेज विजिट अच्छा है और आप कंटेंट डेली डाल रहे हैं, तो हाँ, डेली के आप 10, 15, 20 डॉलर तक इजिली अर्न कर सकते हैं अगर आपने वहां पर फेसबुक शॉप खोल के रखा है। क्यों, मैं बताता हूँ। मान लो ये मेरा एक पेज है और यहाँ पर इसका फेसबुक शॉप का ऑप्शन है, यहाँ लेफ्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसके इनसाइट में जाता हूँ और इनसाइट को खोलता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3901 लोग सिर्फ 7 दिन में पिछले यहाँ पर विजिट किए। अब हो सकता है 3901 लोग आपके पेज पे आए हों, आपके पेज को देखे हों, लाइक ना किए हों, राइट, फॉलो ना किए हों आपके पेज को, बट हाँ, आपके पेज पे आए हैं वो। तो यहाँ ये जो इफेक्टिव एक चीज है फेसबुक शॉप, अगर आप फेसबुक शॉप क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को कुछ भी सेल कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का एफिलिएट कर सकते हैं, आप अपने कोई भी खुद का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप कुछ वर्चुअल चीजें सेल कर सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग, राइट। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आप फेसबुक शॉप के साथ कर सकते हैं, बट कैसे होती हैं चीजें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, फेसबुक शॉप ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लेफ्ट में देख सकते हो फेसबुक शॉप यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ जैसी मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड करना प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा, तो प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे, राइट। बहुत इजी है प्रोडक्ट ऐड करना, वो मैं बता दूंगा कैसे, बट बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है फेसबुक शॉप का। तो फेसबुक शॉप का ऑप्शन सबसे पहले ऐड कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लाइक यहाँ देखो, ये जो मेरा पेज है यहाँ पर भी ऑलरेडी फेसबुक शॉप का ऑप्शन है, बट ये जो मेरा पर्सनल पेज है यहाँ पर फेसबुक शॉप का ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, राइट। ऊपर से नीचे तक देख लो, कहीं पर भी फेसबुक शॉप का ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि कैसे फेसबुक शॉप का ऑप्शन आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, कैसे यहाँ पर टैब लगाओगे कि कोई भी आपके प्रोफाइल में अगर विजिट करे तो वो फेसबुक शॉप के ऑप्शन में जाए और देखे कि आप क्या चीजें सेल कर रहे हो और वो चीजों को खरीद सके, राइट। तो सबसे पहले ये चीज सीखेंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट नहीं किया है, तो मेक श्योर लिंक नीचे है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट करो और देखो, वहां मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहा हूँ। एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ जिससे आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, और कोर्स कोई महंगा नहीं है, कोई मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारी फ्री चीजें हैं, फ्री स्टफ भी है जो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो जस्ट लिंक नीचे है, और ये मेरा यूजर नेम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यूजर नेम भी जाके सर्च कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट क्लिक करो और जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे और मुझे वहां जरूर कनेक्ट करो अगर आप सच में इंटरनेट से पैसे अर्न करना चाहते हो। तो अब गाइस, यहाँ पर कैसे ऐड करना है, तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है, ओके। एंड सेटिंग में क्लिक करने के बाद लेट्स सी कि आपको यहाँ पर टैब का ऑप्शन कहाँ मिलता है, ठीक है, टैब्स का। तो यहाँ ढूंढो, तो यहाँ दिखेगा आपको थर्ड नंबर पे टैब्स का ऑप्शन मिल गया। तो जिस टैब्स के ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक, टैब के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और स्लाइड ओपन हो जाएगी, एंड जस्ट ओपनिंग, या ओपन हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको काफी सारे टैब्स दिख रहे हैं, राइट। तो आपको बस नीचे आना है और यहाँ पर करना है एड अ टैब। एड अ टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आएगा शॉप, शॉप पे क्लिक करके आपको ऐड कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब ये देखो यहाँ पर हो गया है क्लोज, यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, राइट। शॉप टैब ऑन है, ठीक है, यू कैन सी हियर ऑन है। शेयर शॉप टैब, आप चाहो तो अपना लिंक जो है वो लोगों तक शेयर कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाद में किसी भी ग्रुप है मेरा वहां डालना चाहता हूँ, तो मैं वहां डाल के अपने शॉप की प्रमोशन भी कर सकता हूँ, राइट। और चाहूँ तो मैं इससे ऐड भी चला सकता हूँ। मान लो आपने काफी सारे एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड किए हैं, मान लो आपने कोई ईबुक ऐड किया जो आपने खुद बनाई है, लोगों को सेल करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस लिंक को कॉपी करके आप ऐड भी चला सकते हो अपने शॉप का। लोग आपके शॉप पे विजिट करेंगे, आपके हो सकता है अगर आपके कंटेंट में दम हो, आपके कंटेंट उनको अच्छा लगे, तो आपके पेज को भी लाइक करें। ऐसे आपका पेज भी ग्रो होगा, आपके शॉप से प्रोडक्ट भी सेल होंगे और आपकी अर्निंग भी होगी, राइट, और आपका ब्रांड तो बनेगा ही।
तो ये सारी चीजें हैं जो आप फेसबुक शॉप से कर सकते हो। नाउ चलते हैं मेन पेज पर और देखते हैं कि आप पेज पे आ गया है टैब फेसबुक शॉप का, और आप चाहो तो आप ये जितने और भी टैब्स हैं इन सारे टैब्स को हटा सकते हो, राइट। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि आप किसी को भी अपने फेसबुक शॉप पे इनवाइट करो इजी। तो फिर से हम चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कैसे ये सारे टैब्स को हटाना है, सिर्फ कुछ मेन टैब्स यहाँ पर आपको छोड़ने हैं, ओके, जिससे लोग आए तो कन्फ्यूज ना हो और आपके फेसबुक शॉप में जरूर जाए, राइट। तो वो कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, वो भी आपको बहुत ज्यादा ईजी है। तो लेट्स सी गाइस, फिर से हम जाते हैं टैब में, एंड टैब में जाने के बाद अगेन वही स्लाइड ओपन होगी एंड देन मैं आपको बताता हूँ आगे। तो गाइस वो स्लाइड ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें भाई ये जो अबाउट सेक्शन है, ये फोटो सेक्शन है, ये ग्रुप सेक्शन है, ये रहने देना है, और ये जो फालतू के हैं लाइक ऑफर हो गया, रिव्यू हो गया, ये सबको अपने को हटाना है, ठीक है। रिव्यू को हम हटा देते हैं, तो एक सेकेंड हम यहाँ चलते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये हो गई रिव्यू ऑफ, तो रिव्यू यहाँ से हट गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इवेंट, इवेंट की भी हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम इसको भी ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में भी हमें ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट इसको आप नहीं हटा सकते, ठीक है, तो वो यहीं पर रहेगी। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं और नीचे, तो ये देखो ये हमारा फेसबुक शॉप का ये ऑप्शन है, तो इसको हमको क्या करना है, ऊपर ले जाना है सबसे पहले, क्योंकि हमको लोगों को ड्राइव करना है फेसबुक शॉप में। तो ये जाके हम बस इसको जस्ट इसको इस पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके यहाँ तक लाके छोड़ देना है। अब जैसे ही आप लाके छोड़ दोगे तो ये आपका फेसबुक शॉप यहाँ हो गया, एंड देन ये आपकी लिंक है, इसको आप कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पर सेव कर दो। अब जाल के देखते हैं कि फेसबुक शॉप ऊपर आया है कि नहीं, लेट्स सी। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देखो, ये देखो फेसबुक शॉप यहाँ पर टॉप में आ गया। जितने लोग भी आपके यहाँ पर विजिट करेंगे वो जाएंगे फेसबुक शॉप में, देखेंगे चीज़ों को, अगर उनको अच्छी लगेगी तो बेशक वो खरीदेंगे, क्योंकि गाइस सब गेम होता है प्रोडक्ट का, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है जो आपकी चीज़ों को लाइक नहीं करता है, जो आपकी चीज़ों को शेयर नहीं करता है, इवन आपके को फॉलो भी नहीं करता है, बट वो ट्रैफिक चाहे तो आपको काफ़ी अच्छे पैसे दे सकता है। इवन आप इसके लिंक से अपने शॉप का प्रमोशन भी कर सकते हो। अब शॉप में चीज़ें कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर इस पेज पे मैंने शॉप का पूरा ओके कर दिया था, तो ऐड प्रोडक्ट में आपको जस्ट क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर नेम देना है, उससे पहले आपको इमेज या वीडियो जो आपने बनाई है वो देना है, फिर उसके बाद आपको प्राइस देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है दिस प्रोडक्ट इज ऑन सेल, अगर ऑन है सेल के लिए या नहीं है, यहाँ अगर आप कर दोगे तो ऑन दिखाने लगेगा, मतलब आपको पेज में दिखाने लगेगा कि भाई हाँ आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। देन उसके बाद आपका यूआरएल, जिस यूआरएल से आप अपने ईबुक या अपना कोई सा डिजिटल प्रोडक्ट या अपना एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो यहाँ पर डालना है। उससे पहले आप थोड़े से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ लिखना है या लोगों को बताना है तो। देन उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, चाहो तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ आपके शॉप टैब में उसको रहने दोगे। अब ये भी एक चीज है, यहाँ पर देखो पब्लिक और अनपब्लिश, मतलब कि जब चाहो आप एक क्लिक में अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो, सॉरी पब्लिक कर सकते हो और उसको अनपब्लिश भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का रेट बढ़ाते हैं तो उसको अनपब्लिश करते हैं फिर पब्लिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये बटन है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज़ है, यहाँ पर है कंडीशन सेक्टर कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस कंडीशन में है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड वहाँ उसके बाद यहाँ सीधा ऐड के प्रोडक्ट में आप क्लिक करोगे ऐड प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपके फेसबुक शॉप में ऐड हो जाएगा। खासकर लोग ईबुक्स और एफिलिएट करते हैं अपने फेसबुक शॉप से, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। अगर आपके पास थोड़ी सी ट्रिक है लाइक आप फेसबुक शॉप को ऊपर कर दो और उसके बाद आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ऐड करो, लाइक ई बुक अपने पेज से रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड करो, तो मैं आपको पहले ही इनसाइट्स दिखा चुका हूँ कि 3,000-4,000 लोग वीकली विजिट करते हैं और इससे कई ज्यादा विजिट भी करते हैं, राइट। तो कई ज्यादा लोग भी विजिट करते हैं और आपके प्रोफाइल जो पोस्ट रीच है वहां पर उससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है, लोगों को लोग आपके प्रोफाइल तक पहुंचते हैं और अगर आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आता है तो दे विल बाय और दे बाय, राइट। तो बहुत ज्यादा अच्छा है फेसबुक शॉप का ऑप्शन, अगर आप चाहो तो इससे काफी अच्छा खासा पैसा डेली का जनरेट कर सकते हो। 1,000 रुपए भी डेली का अगर जनरेट करते हो इन इंडिया तो बहुत अच्छा है, राइट। तो जाओ जल्दी से जेवीजू में, क्लिक फनल्स में, सॉरी क्लिक बैंक में या अमेजोन में प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और अपने यहाँ पर एड करो फेसबुक शॉप में, या आप खुद का ई बुक भी बना सकते हो। सो क्या गाइस, आप भी फेसबुक शॉप क्रिएट करने वाले हो, कमेंट करके मुझे बताओ। और क्या गाइस, आप कौन सी चीजें सेल करोगे, क्या आपका खुद का ओन प्रोडक्ट है या आप एफिलिएट करोगे,
लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर नहीं पसंद आया तो कर दो डिसलाइक। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।